मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त सोशल मीडिया पे कंगना रनौत का थप्पड़ वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिस एहलकार ऑन द ड्यूटी अपना गुस्सा निकाल रही है। हम पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आपका भाई हेमराज हमराई पूरी जानकारी लेकर आता है और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाता है। तो एक लाइक करना तो बनता है, और आप करते हो अपने हमराई से प्यार तो कर दीजिए कमेंट में इजहार, और कोई कमी पेशी हो तो साफ साफ बोल देना, और मेरी सारी गलतियों पे पर्दा खोल देना। अब चलते हैं चंडीगढ़, जहां यह घटना घटी थी। चंडीगढ़ इंडिया के प्रोविंस पंजाब का कैपिटल सिटी है, जहां कंगना रनौत इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। फ्लाइट से पहले चेकिंग करना तो लाजमी होता है। इस प्रोसेस में एक महिला पुलिस एहलकार कलविंदर कौर ड्यूटी पे थी। उसने कंगना रनौत के लाल गाल पे धमाल कर दी एक जोर से चमाड़ मार के। मुझे मेरे फेस पे हिट किया और मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। अब चमाट क्यों मारा? जब कलविंदर कौर से पूछा गया तो जवाब मिला कि दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में मेरी माँ भी थी, और कंगना रनौत का बयान था कि यह महिलाएं 100 रुपये की दिहाड़ी पे लाई जाती हैं। तो वो गुस्सा मेरे मन के अंदर था, बस निकाल दिया। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत हौसला मिलेगा। आपको बताता चलूँ, कंगना रनौत इंडिया के उत्तरी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से, जहां वो बीजेपी के टिकट पे जीत कर आई है। नमस्ते दोस्तों। ना आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन अफवाह ये है कि छिपली देखते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपली से डर लगता है। इसमें पहुंच गया, तेरे जैसे लौंडे अभी भी नहीं समझे कि लड़कियों को छेड़ना बुरी बात है। पिछले 10 सालों से इंडिया में भाजपा की हुकूमत है, और दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी है। इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर धीरू राठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर तक कह दिया। अपने आलोचकों को देशद्रोही गद्दार कहने का फॉर्मूला भी तानाशाही का ही फॉर्मूला है। पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए, यही वजह है जिसके कारण मैं कहता हूँ मोदी नहीं, कोई भी और। कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। जो मगर फिर भी जीती भाजपा। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बाद में कलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ऑन द ड्यूटी किसी भी आदमी को अपना गुस्सा नहीं निकालना है। जीतने वाली भारतीय अदाकारा
कंगना रनावत को खातून सिक्योरिटी अफसर ने थप्पड़ मार दिया। लेडी कांस्टेबल ने बीजेपी की नामंतखब रखने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उस वक्त थप्पड़ मारा था जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। खातून अहलकार ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारने की वजह बताते हुए कहा कि अदाकारा ने किसानों और जरे कवानीन के खिलाफ पंजाब की खवातीन के बारे में नामुनासिब बयान दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकाम ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली खातून अहलकार को मुअत्तल कर दिया है। और वैसे भी गुस्सा नहीं करना है, जो आदमी अपने गुस्से को खा जाता है वो दुनिया पे छा जाता है। तो आप भी सब्र का दामन पकड़ कर रखिए। हम एक मर्तबा फिर ऐसी वीडियो लेकर मिलेंगे, तब तक आपका भाई हेमराज हमराई आपसे लेता है विदा। जहाँ भी रहो हंसते मुस्कुराते रहो और हमराई के चैनल को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।